नमस्कारम। आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। अश्विनी मुद्रा आपको अलग अलग तल पर विशेष लाभ पहुंचा सकती है। अगर इसकी बात करें तो ये मानसिक तल पर, शारीरिक तल पर और आध्यात्मिक तल पर भी विशेष लाभ पहुंचाने वाली है। किस प्रकार से? पहले बात करते हैं कि शारीरिक लाभ जो आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप इसका दीर्घ काल तक अभ्यास करते हैं तो पाचन से संबंधित समस्याएं जो हैं वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। किसी को अगर खाने के बाद समस्या होती है, किसी को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, किसी को अगर कब्ज की समस्या रहती है उसमें भी ये ठीक करेगा। उसे भी अगर किसी को लूज मोशन बहुत ज़्यादा रहते हैं तो ये उसमें भी अच्छे प्रभाव दिखाएगा। पाइल्स की समस्या किसी को रहती है तो उसमें ये बहुत अच्छे प्रभाव रखता है, क्योंकि इसका प्रभाव इस प्रकार का इन इसकी मसल्स पर पड़ता है कि जो ब्लड की सप्लाई जो है वहाँ पर अगर कम हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो उसको ये ठीक करता है और पाइल्स की समस्या में ये बहुत अच्छा लाभ रखता है। कुछ ही समय के अभ्यास से अनेक बंधुओं ने इससे विशेष लाभ प्राप्त किए हैं, तो ये इसमें विशेष रूप से उपयोगी होगा। इससे आगे बढ़ते हुए इसका मानसिक तल पर भी अच्छा प्रभाव होगा और चेहरे पर इसकी जो है एक चमक आपके बनी रहेगी। ये भी इसका बहुत अच्छा और सकारात्मक प्रभाव आप कुछ ही समय के अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर किसी को बहुमूत्र की समस्या है, वेग बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उसे लघु शंका के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, तो ऐसी अगर किसी को समस्या है तो उसमें भी ये जो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास है विशेष ये लाभ रखता है। मानसिक सजगता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और विशेष रूप से जो हमारे बंधु ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहते हैं लेकिन फिर भी कामोत्तेजक भाव निरंतर उनके मन में आते रहते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में भी ये बहुत अच्छे प्रभाव रखता है। यानी कि ब्रह्मचर्य पालन में ये सहायक की तरह आपके लिए कार्य करेगा। तो इसे अपनाने से ब्रह्मचर्य पालन में एक विशेष लाभ आपको मिलेगा। और प्रोस्टेट की समस्या अगर किसी को रहती है तो इस समस्या में भी ये बहुत अच्छे लाभ रखता है और सामान्यतः जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता रहेगा उससे कोई भी इस प्रकार की समस्या होगी ही नहीं कभी, चाहे वो प्रोस्टेट की समस्या हो, यौन संबंधी विकार हो, स्वप्न दोष आदि की समस्याएं और भी जितनी भी समस्याएं हमारे युवकों को, युवतियों को हो जाती हैं वो कभी होंगी नहीं। तो ये इस दिशा में विशेष कार्य करता है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, यानी कि ये ऊर्जा को जो है ऊपर की तरफ उठाता है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो मूलाधार में ही हमारी संग्रहित होती है और वहाँ पर रुकी हुई होती है। तो मूल बंध का अभ्यास और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास इस ऊर्जा को ऊपर उठाने में सहायक है। लेकिन जो बंधु नहीं समझ पाते हैं कि मूल बंध का जो अभ्यास है वो किस प्रकार से करना है, क्या उसकी सही विधि होगी, तो उनके लिए ये मार्गदर्शन किया जाता है कि पहले वो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर लें। जब अश्विनी मुद्रा परिपक्व हो जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मूल बंध का अभ्यास किस प्रकार से इससे अलग है और कैसे उसका अभ्यास उनको करना है। तो ये इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए, ऊपर उठाने के लिए उसको ये बड़ा ही अच्छा कार्य करता है। इसको किस प्रकार से करना है अब हम इस तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। अश्विनी मुद्रा यानी कि ये अश्व से लिया गया है, ये घोड़े से लिया गया है। अश्व का इस प्रकार का एक क्रम रहता है कि जब वो मल का त्याग करता है तो मल त्याग के बाद वो इस प्रकार से अपने गुदा द्वार को संकुचित करता है, यानी इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसी प्रकार से इसको लिया गया है। जिस प्रकार से अश्व के अंदर, घोड़े के अंदर विशेष बल होता है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, इसी प्रकार से ये जो अभ्यास है अश्विनी मुद्रा का, ये भी बल का वर्धन करने वाला है, बल का संचयन करने वाला है शरीर में। तो इसके अभ्यास के लिए आपको एकाग्रचित होकर के शांत स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या में, जिस भी समय आप अभ्यास कर रहे हैं, अपना कोई आसन, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन आदि लगा करके बैठ जाना है। इसके बाद आप चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से अपने हाथों को रख सकते हैं। अपनी सजगता को मल द्वार की तरफ लेकर के जाना है, एनस की तरफ अपनी सजगता को, ध्यान को लेकर के जाना है और उसके बाद एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसकी मसल्स को इस प्रकार से ऊपर की तरफ खींचना है और खींच करके रखना है, रोक करके रखना है। शुरुआत समय में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ समय भी होता है तो वो ठीक है। धीरे धीरे से इसकी अवधि को, इसके समय को बढ़ाना होता है। तो आप एकाग्रचित होकर के बैठे और आपने मल द्वार को इस प्रकार से संकुचित किया, करके रखा, करके रखा, करके रखा और जब असहज आपको लगने लगा फिर छोड़ दिया।
सहज हो गए। फिर कुछ समय रुके और फिर से उसको उसी प्रकार से खींचा, कॉन्ट्रैक्ट करा, मलद्वार को ऊपर की तरफ संकुचित किया और रोके रखा और फिर जब आपको असहज लगा फिर आपने छोड़ दिया। इस प्रकार से ये अभ्यास करना है, लेकिन विशेष सजगता आपकी वहीं पर बनी रहे। इससे देखेंगे आपके मन पर भी सहज ही नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, विचार आपके रुकने शुरू हो जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जब आप इस अभ्यास को और अधिक विकसित करना चाहते हैं तो आपको इसी प्रकार से सुखासन, सिद्धासन आदि में बैठना है और उसके बाद सांस को पूरा अंदर लेना है। सांस को पूरा अंदर लेने के बाद आपको जालंधर बंद का अभ्यास करना है, यानी कि अपनी ठुड्डी को नीचे की तरफ ले जाना है और रोक लेना है और उसके बाद मलद्वार को संकुचित करना है। यानी कि पहले सांस को पूरा अंदर लिया, फिर गर्दन को नीचे की तरफ किया और मलद्वार को संकुचित कर लिया, उसके बाद संकुचित करके रखा और इसी प्रकार से अपनी ठुड्डी को अपने वक्षस्थल के समीप इस प्रकार से बनाए रखा और फिर आपने जब छोड़ना है तो पहले आपने गर्दन को ऊपर किया, फिर आपने सांस को बाहर किया और फिर आपको मलद्वार को संकुचित जो किया हुआ है आपने उसको भी ढीला छोड़ देना है। एक बार हम आपको करके बता देते हैं और उसी प्रकार से आपको अभ्यास करने हैं। पूरा सांस पहले अंदर लिया, इस प्रकार से ये आपका एक अभ्यास हुआ, इसके बाद दूसरी बार, इसके बाद तीसरी बार, उसके बाद चौथी बार। जब शुरुआत कर रहे हैं तो सामान्यतः इस जालंधर बंद के बिना ही बस सामान्य संकुचन करना है, लेकिन जैसे कुछ परिपक्वता आ जाती है तो फिर इस प्रकार का अभ्यास करना है, लेकिन ये तब शुरू करना है जब जो सामान्य अभ्यास है उसमें समय आपका बढ़ गया है, यानी कि आप सहजता से अब कुछ समय तक खींच करके रोक करके रख सकते हैं, फिर इस अभ्यास की तरफ आपको चले जाना है। तो यही इसमें एक ध्यान रखना है, क्रम रखना है इसका, और इसको फिर बढ़ाते बढ़ाते जाना है समय को, और इसकी आवृत्ति को आप जितना भी हो सके बढ़ाने की कोशिश करें। 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक भी इसका निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। अगर किसी को समस्या है तो वो 10 मिनट कम से कम करे ही, अगर सामान्य अवस्था है तो 5 मिनट, 6 मिनट का अभ्यास भी आपके लिए काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा। तो इस प्रकार से अश्विनी मुद्रा का यदि अभ्यास किया जाता है तो शारीरिक लाभ भी प्राप्त होंगे, ब्रह्मचर्य में स्थित होने में विशेष लाभ आपको मिलेंगे, बल का आपके वर्धन होगा और मानसिक स्तर पर भी जो लाभ हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप इस अभ्यास को निरंतर करें और इससे लाभ उठाएं। इससे आगे बढ़ते हुए जब आपका ये अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तब हम आपको मूल बंद के विषय में बताएंगे। मूल बंद इससे उच्च अभ्यास होता है और वो अभ्यास इसके साथ जब किया जाएगा तो विशेष रूप से उपयोगी होगा। अभ्यास करें, लाभ उठाएं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।